विद माय चैनल अंजलि डेली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक न्यू ब्लॉग के साथ आई हूँ। तो उस दिन हम लोग का 3 दिन का जो टूर था, ये लास्ट दिन है जिस दिन हम लोग को फिर रिटर्न आना था। लेकिन सुबह से हम लोग निकल थे कि जाने से पहले जो थोड़ी बहुत और एक दो जगह है जाने के लिए, वो हम लोग चले जाएंगे घूमने के लिए। तो देखिए, सुबह सुबह तैयार होकर हम लोग आ गए थे लोकल ट्रेन में। हम सब बैठ गए थे, तो स्टेशन आने के बाद बैठ गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी जाने को कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन हाँ कि भगवान जो माता की कृपा से उनके पास ही पहले जाके पहुँच गए थे। हम लोग जाना था हाजी अली, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्ट पहुँचे उतरे महालक्ष्मी पर। स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग बोले थे कि हाजी अली हमको जाना है, पर वो जहाँ लेके गए हैं ना, वो डायरेक्ट हमको लेके गई महालक्ष्मी। तो हो सकता है उनका कृपा है कि हम लोग उनका पहले दर्शन कर ले। तो हम सोचे कि ठीक है, अगर हम लोग आके पहुँच गए तो हम लोग पहले जाके उनका दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हाजी अली आ जाएंगे। तो दोनों का दर्शन ही बाकी था और हम लोग कहीं नहीं जाना है फिर रिटर्न हमको फिर अपने घर आने के लिए। तो हम लोग बैठ गए थे टैक्सी में। तो फ्रेंड्स, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना स्किप कर प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि स्किप करते हो तो कुछ पता नहीं चलेगा और ये सब चीज़ वीडियो बनाने के इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि बाहर आप जाते हो तो एक तो पैदल चलना होता है कभी कभार, और उसमें भी आपको वीडियो बनाना है तो एक या दो नहीं हज़ार लोग रहते हैं बाहर। उस टाइम आप चलने के टाइम और ट्रेन हो बस हो उन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम थोड़ा सा रिस्क लेके हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके तो ज़रूर बताइए यहाँ का टूर कैसा लगा। और किसने पापा आगे बैठे थे तो मैं सब बोले कि साइड से कुछ उतना पता नहीं चलता है, तो आगे थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। और मुंबई का मुझे एक ही चीज़ मुझे बहुत पसंद आता है कि यहाँ जो बिल्डिंग है ना, देखने लायक रहता है। और इस बार थोड़ा सा अच्छा लगा, पहले जो गई थी अगले साल उससे थोड़ा सा अच्छा यहाँ लगा कि हम लोग इस साल उतना कचरा नहीं देखना पड़ा। लेकिन अगले साल जहाँ देख रहे थे सिर्फ कचरा ही कचरा निकल रहे थे, तो अच्छा नहीं देखी हाजी वाली साइड में। लेकिन हमको इस साइड में ला के उतरने की वजह से वो हम लोग को डायरेक्ट लेके महालक्ष्मी के पास उतार दिए थे, तो अच्छा हुआ। मेरा तो मन था, पर सब बोल रहे थे नहीं इस बार सिर्फ हाजी वाली जाके आ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। लेकिन माँ की कृपा है, हम लोग उनके पास जाना था तो हम लोग चले गए थे। और अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत पसंद भी आता है, कहीं चाहिए ना जाए उनके पास जाना तो अच्छा है। तो देखिए, हम लोग पहुंच गए थे वो, और यहाँ से कम 7 मिनट का रास्ता होता है चलते चलते जाने के लिए, 7-10 मिनट से ऊपर हो सकता है, क्योंकि अपने चलने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी चल सकते। तो पूरा दुकान तो भरा हो साइड में है, बहुत सारा दुकान भी है, लेकिन जो कि जितना हमको जो चाहिए वही हिसाब से हमको जाना पड़ता है। तो देखिए, इसे टर्न करने के बाद, इससे थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग चप्पल उतार लेंगे और जो पूजा के लिए जो फूल है वो सब लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम लोग जहाँ फूल ले रहे थे ना, वहाँ कमल का फूल नहीं था, या लिली का फूल है, और मुझे कमल का फूल चाहिए। तो गुलाब वाला फूल से एक थाली मैंने ले ली, और सब ले रहे थे दूसरा, लेकिन मैं एक ले ली, और कमल का फूल नहीं था इसलिए मुझे कमल का फूल। और जो फूल भी था वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था, पता नहीं क्यों बोल रहा था, लेकिन सब जगह अलग कम रेट है, ये बहुत ही ज़्यादा, एक एक फूल 100-200 बोल रहा था। तो आप सोच सकते एक कमल का फूल के लिए। तो मैं जो पकड़ी थी उसे मैं नहीं ली थी, रिटर्न कर ली थी। फिर थोड़ी दूर आने के बाद मुझे एक कमल का फूल, मुझे यहाँ से साइड से मैंने एक ले ली। तो फिर मैं देखी कि मैं अपना जो पूजा का थाली वो भी भूल गई हूँ, तो फिर से मुझे जाना पड़ा। तो देखिए, एक फूल ले और कम पैसे से अच्छे से ले ली, क्योंकि फूल पैसा की मेरे लिए पैसा भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फूल के लिए 200 रुपया देना और एक जगह पे 100 रुपया, एक जगह पे 200 रुपया, एक जगह पे 40 रुपया, ये कौन सा चीज़ है? आप जो बोल जो सामान बेच रहे हो भगवान के नाम पर है, आप ऐसे इतना भी मत लूटो कि लेने वाला भी सोच में पड़ जाए। तो देखिए, ये रास्ता है महालक्ष्मी के लिए। तो महालक्ष्मी से आने के बाद हम लोग आ गए थे हाजी अली। तो हाजी अली से जो हम लोग जाते हैं ना, ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से कि आगे बढ़ना होता है, और दोनों साइड मतलब दरिया है,
और बीच से जो सड़क रखा हुआ है, जो मतलब रास्ता है हजल जाने के लिए, तो जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना हमको मस्जिद में जाके अच्छा लगा ना, उससे कहीं ना ज़्यादा दोनों साइड का नज़ारा देख के अच्छा लग रहा था। और इतना अच्छे से हवा भी लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ही चीज़ में मानते हैं, नहीं, हर जगह मैं तो हर मतलब ये को मानती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ मंदिर जाना है या मस्जिद नहीं जाना है, मैं यहाँ भी जाती हूँ। लेकिन अभी कब से कितना दिन हो गया नहीं जा पाई थी, लेकिन अभी वहाँ गई तो एक बार जो मतलब सोची कि नहीं मुझे जाना है। सब मना कर रहे थे कि नहीं उधर क्या जाना है और जाने की क्या ज़रूरत है, अभी गए थे तो एक बार हम लोग जाके घूम के आ चुके हैं, और मन नहीं है जाने के लिए। लेकिन पता नहीं मेरा मन था कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं बोली ठीक है कोई नहीं जा रहा है तो मुझे रास्ता बता दीजिए कि मैं खुद जाके आ जाऊँ। तो देखिए बहुत भीड़ भी था, बहुत सब लोग आ रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो चादर और चढ़ाने के लिए जो सामान चाहिए पूजा का सामान वो ले लिए थे। तो सब यहाँ तो हर जगह के एक ही नियम होता है कि लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग जगह मतलब जगह माथा टेकती है तो नमा पड़ते हैं। तो बस थोड़ा सा दिल को सुकून मिला, जबकि अंदर काम चल रहा है, मतलब जो मस्जिद बना रहे हैं ना उनका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम लोग जाके साइड में जहाँ लेडीज़ थे वहाँ हम लोग खड़े हो गए थे, तो अच्छा भी लग रहा था। तो आप भी उनका दर्शन कीजिए, आपका जो भी दिल में जो भी बात है उनको बोल लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत मान्यता भी है, सब बोलते भी है कि बहुत मतलब आपको जो चाहिए वो बाबा दे देते हैं, तो अच्छा है, सुकून है, कुछ मिले या ना मिले। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि आप कहीं भी जाए, कहीं भी मंदिर मस्जिद जहाँ कहीं भी जाए, आपको दिल को सुकून मिलना चाहिए, तो वो चीज़ सबसे बड़ा होता है। तो देखिए बाहर हम लोग आ गए थे, थोड़ी देर रुके थे, कृष्णा ही पापा सब घूम घूम के ढूंढ रहे थे हम लोग को और हम ढूंढ रहे थे उनको। तो आने के बाद एक जो ब्रिज था उसके नीचे हम लोग गए थे, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन आने के टाइम ये सब चूड़िया था जो पीतल की ब्रॉन्ज वाला रहता है ना, कलर नहीं जाता है, तो मुझे ये सब पसंद है, तो मैं उसमें से दो सेट लेके आई थी अपने लिए। और रास्ते में आई तो कृष्णा का दो तीन दिन से लगातार चलने की वजह से, शूज़ जो पहन के चल रही है ना उसकी वजह से उसका पैरों में थोड़ा सा जो थोड़ा घाव जैसे हो गया था, इसीलिए उसके लिए चप्पल ले रहे थे। तो देख रहे थे एक दो जोड़ी देखे, तो एक ब्लैक कलर का है जो उसको पसंद आया, उसका मतलब साइज़ का भी है, तो बस उसको उसके लिए एक जोड़ी चप्पल ले ली। फिर हम वहीं से निकल के बाहर आ गए। तो आने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए थे होटल, तो वहीं से थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ मिल रहा था। लेने के लिए जाएंगे तो पूरा का पूरा मार्केट उठा के ला सकते हैं, लेकिन क्या लाएंगे कहाँ से और कैसे लाएंगे, बोलने ना हर चीज़ मन को भा जाता है। और ख़ास करके हम कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए तो मन होता है कि नहीं चलो कुछ ना कुछ हम लेके जाए। तो देखिए बच्चों के खिलौने के साथ साथ हर चीज़ यहाँ बहुत अच्छे से मिल रहा था। तो हम होटल से निकल गए थे और हम जहाँ रह रहे थे, देखिए ये माटुंगा रोड है और ये हमारी जो हम लोग जहाँ रूम पर रह रहे थे ना, उसके बाद देखिए श्रीनिवास लिखा हुआ है, वही हम लोग रह रहे थे ऊपर का जो ये है।
और ये स्टेशन के पास है, तो हम लोग को जाना आने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही मतलब ये सुकून मिलता है कि हम लोग तुरंत यहीं से कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। रात को 11 और 12 बजे तक कोई टेंशन नहीं रहता, इसीलिए हम 2 सालों से जब भी आते हैं यहाँ ही रुकते हैं। तो देखिए लोकल ये है जो बोलते हैं मुंबई की धड़कन, तो अच्छा लगता है। लेकिन सच बता रहे लोकल ट्रेन है ना बहुत ही अच्छा रहता है, सुकून भरा रहता है, तुरंत जाओ कहीं भी पहुँच जाओ, क्योंकि इतना टेंशन नहीं रहता है कि आपको मतलब टैक्सी के लिए या रिक्शा के लिए इतना वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो। और इसलिए मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी आती हूँ यहीं रहती हूँ। तो आप लोग अगर कभी भी विजिट करना चाहे तो यहाँ ज़रूर आए, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रूम, सर्विस भी अच्छा देते हैं, कोई ख़राब नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत उसका सोल्यूशन भी निकाल देते। तो और पास में है, खासकर हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब 6,000-10,000 दे के एक एक दिन एक एक नाइट के लिए रह सकते, क्योंकि उतना पैसा के लिए होना भी चाहिए। और अगर हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं हमको अच्छे सा रूम चाहिए तो हमको इतना पैसा खर्चा करना है, तो हम शायद कभी घूम नहीं सकेंगे और कुछ देख भी नहीं सकेंगे। तो हमारा जो 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 लिमिट जितना होता है हमें उतने में से खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम वहीं से आ गए थे, यहाँ हमारा जो स्टेशन है जहाँ से सूरत के लिए ट्रेन है, तो हम ट्रेन भी आ गया था, तो बाहर ऐसे बैठे थे पर टाइम नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम अंदर नहीं गए थे। और कुछ सामान जो खाने के लिए था वो सब सामान ले लिए थे, क्योंकि सच बताए फ्रेंड्स और 3 दिन हम लोग रहे, लेकिन 3 दिन में मुझे खाना ठीक से नहीं मिला, और बड़ा पाव वही सब चीज़ खाना खा के मैं तो नहीं रह सक पा रही थी, लेकिन क्या करें जो मजबूरी में रहना पड़ा। लेकिन ये सब जो डिनर वगैरह वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, एक दो जगह में जो मिल रहा था वो हाई चार्ज रेट है, मतलब एक एक लंच के लिए 500-600 तक देखना पड़ रहा था। हम जिस साइड में रह रहे थे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है खाने के लिए ही, नहीं तो है होटल, पर जो भी होटल है थोड़ा सा बड़ा टाइप का होटल है और आपको कोई भी चीज़ लेके आइए थोड़ा सा महंगा ही होता है। तो हम लोग आ गए थे सूरत स्टेशन, सूरत स्टेशन आने के बाद बाहर का नज़ारा देखिए और अच्छा भी लग रहा था कि चलो पहुँच ही गए। और 3 दिन का जो ट्रैवल है वो थकान भी भरा हुआ था शरीर में कि हम लोग कैसे घर में जाए। लेकिन और एक फ्रेंड बात कि मैं 2-3 दिन हो गया मेरा, एक तो घर बंद है थोड़ा सा तो साफ सफाई करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि पापा के लिए कुछ मुझे मिठाई भी बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके हम घर जाए, और थोड़ा सा कृष्णा भी है थोड़ा हेल्प कर लेगी साफ सफाई में, और कृष्णा के पापा भी है वो थोड़ा सा ठीक कर लेंगे जो भी सामान है, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग को टैक्सी आ गया था जिसे हम गांव से ही बुलाए थे जहां हम लोग रहे थे। तो आने के बाद थोड़ा बहुत काम सब हेल्प कर लिए, शाम हो गया था और आरती पे भी जाना था, तो मैं सोची क्या बनाओ प्रसाद के लिए, तो मैं बना रही हूँ जो जैसे कि मोतीचूर का लड्डू। तो बस मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए जैसे मैं नॉर्मल जैसे देखा थे ना वैसा ही है, पहले जैसे पकौड़ी जैसे मैंने बना ली, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम टाइम में बना था। तो अगर मुझे बूंदी वाला लड्डू बनाना था तो बाद में देखूंगी कभी, लेकिन अभी के लिए हमारा यहाँ 10 दिन के गणपति रहते हैं, 10 दिन तक हमारा यहाँ पूजा होता है, अब कम से कम 3 दिन हो गया है। तो हम सोच रही थी कि अभी यही पूजा कर लेते और आने का मुझे पता नहीं मेरा तबीयत ठीक सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा फ्रूट कलर इसमें डाली थी रेड कलर, तो देखिए थोड़ा सा कलर मैंने डाल दी थी। और चीनी मुझे जितना मीठा चाहिए नॉर्मल मीठा मैं रखूँगी, ज़्यादा मीठा नहीं रखने वाली हूँ, तो इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे अच्छे से पीस लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे चिकना नहीं चाहिए, एकदम थोड़ा ददरा रहना चाहिए। तो चटनी भी हो गया था चटनी, तो उसे थोड़ा देख लेती हूँ कि कितना मुझे मतलब इसमें उसका चाहिए। उसमें मैं नींबू का रस थोड़ा सा इसमें डाली थी टेस्ट में ठीक होने के लिए, तो ये डाल दी जो पिसा हुआ। तो बस इसे डालने के बाद अच्छे से इसे भून लेती हूँ, और जो भी चटनी है वो अच्छे से इसे मिक्स हो जाएगा और सूख भी जाएगा, ऐसा नहीं रहता। तो देखिए ऊपर जो ड्राई फ्रूट है उसको मैं अच्छे से डाल देती हूँ, डालने के बाद अच्छे से घुमा देती हूँ, और घुमाने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और थाली में निकाल दूँगी, और उसके बाद इसे लड्डू की शेप दे दूँगी। तो
इसका अच्छे से रेसिपी तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन हाँ जितना हो सके उतना हिसाब से मैं बना ली। तो क्योंकि मुझे टाइम भी हो रहा था, और आप सोचिए इतना ट्रैवल करके आने के बाद ये सब तुरंत जल्दी जल्दी बना के लेके जाना, वो भी उतना आसान नहीं होता है। लेकिन मेरा मन था, तो मन है तो मैं ज़रूर कर लूँगी, कितना भी थकान हो कितना भी प्रॉब्लम हो। तो आप लोग कैसे बनाते हैं? अब मुझे पता है आप सब अच्छे से ही बनाते होंगे, क्योंकि पापा आए हैं तो साल में एक बार उनके तो स्वागत के लिए सब अच्छे अच्छे कुछ ना कुछ बनाते हैं। कोई सबका रेसिपी अलग हो सके, लेकिन जो बोलते हैं ना प्यार एक ही होता है, तो ऐसा है अच्छे सब अच्छे। तो मैं जैसे बनाए वो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए, और जितना हो सके उसी हिसाब से मैं बना ली, और नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरा मुझे तो नहीं लगता मेरा तबीयत ठीक होने वाला है, क्योंकि जो जिस तरह हालत है हम सबका घर में। तो देखिए हम लोग आके थे शाम की आरती के लिए। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को यहीं पर रखूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बिना आप लास्ट तक देखने के लिए आप सबको दिल से थैंक यू और बोलती हूँ। तो हम लोग थोड़ी टाइम के बाद यहाँ से जाएंगे, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नया ब्लॉग के साथ। तो रखती हूँ, बाय।